नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन होगा, इसका फैसला 11 जनवरी को हो जाएगा। दरअसल सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक आगामी 11 जनवरी को होगी, जिसमें ट्रस्ट के नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत 6 सदस्य वर्चुअली हिस्सा लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले ही महीने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष केशुभाई पटेल का निधन हुआ था। केशुभाई पटेल ट्रस्ट के अध्यक्ष के साथ साथ गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। उनके निधन के बाद से ही ट्रस्ट का अध्यक्ष पद खाली है। सोमनाथ ट्रस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी सहित 6 सदस्य हैं। सोमनाथ ट्रस्ट की पहली बैठक अक्टूबर 1949 में हुई थी, जिसमें नवानगर के जाम साहब दिग्विजय को अध्यक्ष चुना गया था। जाम साहब सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में 1967 तक काम करते रहे थे। आपको ये भी बताते चलें कि ट्रस्ट मंडल में 8 सदस्यों की जगह है, जिसमें फिलहाल 2 जगह खाली है। इसमें से एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार का पद है। भारत के इतिहास में सोमनाथ मंदिर का बहुत महत्व है। चालुक्य शैली में बने इस मंदिर का आखिरी बार नव निर्माण देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था। इतिहास में सोमनाथ मंदिर की समृद्धि और वैभव से जुड़ी कई कहानियां मौजूद हैं। बताया जाता है कि इसकी संपन्नता के कारण ही ये मंदिर हमेशा से लुटेरों के निशाने पर रहता था। अरब सागर किनारे बने इस वैभवशाली मंदिर को लूटने के लिए हमलावर समुद्री किनारे से आते थे। बहरहाल फिलहाल तो सोमनाथ मंदिर के आसपास सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम रहते हैं। दूर दूर से पर्यटक इसके दीदार करने के लिए आते हैं।